हेलो नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम देखेंगे कि ट्यूनिक टॉप कैसे बनाते हैं। ये जो ट्यूनिक टॉप है ये विथ मेगा स्लीव्स एंड नेक गैदर्स है, तो इसका ट्यूटोरियल आज हम देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही सुंदर डिज़ाइनर टॉप के ट्यूटोरियल्स देखते रहे। और चलो हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमने कपड़ा लिया हुआ है 2 मीटर्स का कॉटन का, और ये डोरी जो हमने बनाई हुई है वो हमने दूसरे कपड़ों में से बनाई है। अगर आप चाहते तो इसी कपड़े में भी बना सकते हो। डोरी कैसे बनाते हैं इसके वीडियो मेरा पहले से ही अपलोडेड है, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलो हम देखते हैं इसका ट्यूटोरियल। तो शुरू करने से पहले हमारा जो ये ट्यूनिक टॉप है मेगा स्लीव विथ नेक गैदर, वो कैसे कटिंग करते हैं उसका एक छोटा सा मेथड मैं यहाँ पर बताऊँगी, ताकि मेजरमेंट्स डालते वक्त हमारे इजीली समझ में आए। ये जो है हमारा बेसिक ड्राफ्टिंग है जो कि हम फैब्रिक पे डालने वाले हैं, तो इसका वीडियो मेरा पहले से ही अपलोडेड है बॉडी ड्राफ्टिंग, बेसिक बॉडी ड्राफ्टिंग का, तो प्लीज़ वो आप देख लीजिएगा। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी हुई है। तो यहाँ पर मैंने बॉडी ड्राफ्टिंग कर लिया है समझाने के तौर पर। तो हम जो मेगा स्लीव ट्यूनिक टॉप मेगा स्लीव विथ नेक गैदर स्टिच करने वाले हैं, कट करने वाले हैं, उसमें चेंजेस क्या आएंगे। तो ये जो हमारी नेक विड्थ है यहाँ पर हमें 1 इंच नेक विड्थ एक्स्ट्रा लेनी है। जो चेंजेस हैं वो मैं बता रही हूँ। चेंजेस नंबर 1, हमें यहाँ पर नेक विड्थ बढ़ानी है, और हमारा जितना नेक है उतना हम लेंगे। ये हमारा फ्रंट का नेक हो गया इस तरह से, और हमारा बैक का जो नेक है वो हम 2 इंच लेंगे, वो इस तरह से। मतलब हमें बस नेक विड्थ बढ़ानी है और बैक का नेक हमें 1 से 2 इंच तक रखना है। ये चेंजेस हो गया। अब दूसरा चेंज हमें करना है कि ये जो लाइन है हमारे नेक की वो 4 इंच हमें आगे ऊपर तक यहाँ तक बढ़ानी है, इस तरह से। ये हमने 4 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाई है। यहाँ पर भी हम यहाँ से शोल्डर के आगे हम 5 इंच तक लाइन बढ़ाएंगे, इस तरह। ये रही, ये जो है हमारी स्लीव है। ये स्लीव जो होती है मेगा स्लीव, वो शोल्डर को ही पूरी होल शोल्डर ऐसा स्लीव को अटैच होता है। मतलब स्लीव इस तरह शोल्डर को अटैच ही होती है, वो सेपरेट करके जिस तरह हम नॉर्मल कुर्ती का कटिंग करते हैं उसी तरह से, उस तरह से ये नहीं होगी, ये पूरी इसको अटैच ही होगी। 4 इंच हमने यहाँ पर ये स्लीव के लिए बढ़ाया है। अब ये जितना बढ़ाया है उसी एंगल में हमें ये नीचे तक लेनी है, ये स्ट्रेट लाइन, इस तरह, इस लाइन यहाँ तक इस तरह से लेनी है। और ये चेस्ट लाइन हमें यहाँ तक ऐसी बढ़ानी है। ये एक चेंजेस रहा। ये ऊपर की तरफ हमने 4 इंच बढ़ाया है, ये 4 इंच यहाँ इस तरह से हम आगे तक लेंगे, और ये लाइन इसको ज्वाइन करेंगे। इसका मतलब हमने यहाँ पर स्लीव 4 इंच ऊपर की तरफ ली है, और हमारे नेक के लिए भी 4 इंच हमने ऊपर की तरफ लिया है। ये जो हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो गैदर्स के लिए लिया है, क्योंकि जब भी हम इसमें डोरी इंसर्ट करेंगे या इलास्टिक इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर सुंदर से गैदर्स आएंगे, स्लीव्स की तरफ भी और नेक की तरफ भी। ये रहे, और यहाँ हमें इस तरह चेस्ट को यहाँ इस तरह से आकार देना है चेस्ट लाइन की तरफ से। ये रहा, इस तरह से ज्वाइंट करना है। अब हमारी कटिंग लाइन होगी ये इस तरह, यहाँ से हम यहाँ से यहाँ कट करेंगे। ये हमारा बैक का नेक हो गया। बैक और फ्रंट हमें दोनों एक साथ कट करेंगे, फिर बैक का हम साइड में निकालेंगे, और फिर यहाँ से फ्रंट का गला जो हमारा है नेक वो डीप है थोड़ा, तो फिर हम फ्रंट का नेक डीप कट करेंगे। इस तरह से हमारा ये कटिंग होगा। तो मैं यहाँ दिखाती हूँ ये किस तरह से हम कट करेंगे। ये यहाँ से यहाँ इस तरह से कट करना है, यहाँ, और फिर ये यहाँ इसे स्ट्रेट लेना, और यहाँ से थोड़ा सा कर देके हमें ये कट करना है। इस तरह से हमारा ये कटिंग होगा। तो आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से हमारा ये कटिंग है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो चलो आज हम शुरू करते हैं हमारा ट्रेंडिंग ट्यूनिक टॉप विथ मेगा स्लीव्स एंड नेक गैदर्स। जैसे कि मैंने कहा था, इस टॉप में हमारे मेगा स्लीव्स आएंगे,
और हमारे स्लीव बिल पफ स्लीव की तरह दिखेंगे और हमारे नेक को जो है वो गैदर्स आएंगे छोटे छोटे, वो बहुत ही सुंदर लगेंगे। और ये टॉप हम जीन्स पे, जेगिंग्स पे, लेगिंग्स पे या हमारे पटियाला सलवार पे, सलवार पे भी हम पहन सकते हैं। ये किसी के भी ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो चलो हम देखेंगे, इसके लिए मैंने ये मेजरमेंट्स लिए हैं। हमारी फुल लेंथ है 30 इंचेस टॉप की, हमारी शोल्डर 14 इंचेस है, उसका हाफ 7 इंचेस है, आर्म होल 7 इंचेस है, चेस्ट हमारे 34 इंचेस है, फुल बस्ट हमारा 35 इंचेस है, वेस्ट हमारी 28 इंचेस है और सीट हमारा 37 इंचेस है। मतलब ये 4 लेयर्स हो गए और फोल्ड जो है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। इसमें कोई भी सिलवटें ना रहे ताकि ये मेजरमेंट्स डालने में आसानी से और क्लियरली हो जाए। इस तरह से हमने ये फोल्ड करके लिया है। अब हम यहाँ पर अपने मेजरमेंट्स डालेंगे। तो जिस तरह से मैंने कहा हमारे बॉडी ड्राफ्टिंग के जो मेजरमेंट्स है वो पूरी तरह मैं यहाँ पर डालूंगी। प्लीज़ आप उसके लिए डीप में जानने के लिए प्लीज़ आप वो वीडियो देखिएगा ताकि समझने में आसानी हो। तो हमारे मेजरमेंट्स डालने से पहले हमें 4 इंच ऊपर की तरफ छोड़ना है। यहाँ आपकी जो लेंथ है वो हम यहाँ से पहले लेंगे, यहाँ से यहाँ। तो हमारी लेंथ जो है वो 30 इंचेस है, प्लस 2 इंच हमें उसमें ऐड करना है। तो 32 इंचेस पे हम हमारी लेंथ लेंगे। यहाँ पर हमारी लेंथ का मेजरमेंट आ गया, यहाँ पर मैंने मार्किंग किया। तो ऊपर की तरफ हमें कपड़ा छोड़ना है क्योंकि 4 इंच हम ऊपर की तरफ लेने वाले हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आपकी जो लेंथ है उसके ऊपर 4 इंच कपड़ा बचा रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मेजरमेंट लेंथ का यहाँ तक आया है। यहाँ से यहाँ तक हम अपना पूरा बॉडी का ड्राफ्टिंग, बेसिक बॉडी का ड्राफ्टिंग होता है जो कुर्ती का, वो हम पूरा डालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगी, तो उसके लिए आप प्लीज वीडियो देखिएगा। यहाँ पर मैंने शोल्डर लिया है 7 इंचेस, आर्म होल भी हमारा 7 इंचेस ही है। तो यहाँ पर 7 इंचेस पर मार्किंग करती हूँ। हमारा चेस्ट जो है वो 34 इंचेस है, उसका 1/4 करना है तो 8.5 आता है। उसमें हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लेते हैं। तो 9 इंचेस पे हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारी चेस्ट लाइन। हमारे फुल बस्ट का मेजरमेंट लेंगे हम अपने एपेक्स पॉइंट पे। हमारा एपेक्स पॉइंट जो होता है वो यहाँ पर 34 चेस्ट साइज का मेरा अपेक्स पॉइंट है, 11.5 पे आता है। तो यहाँ पर मैं मार्किंग करती हूँ और यहाँ पर मेरे फुल बस्ट का मेजरमेंट में डालूंगी, वो है 35 इंचेस फुल बस्ट, उसका 1/4 आता है 9 इंच 8.75 इंचेस। उसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, इसके सारे डिटेल्स मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है बॉडी ड्राफ्टिंग के, आप वो देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारी वेस्ट लेंथ आएगी 14.5 इंचेस पर, 14.5 इंच पर मार्किंग किया। और हमारी सीट की जो लेंथ आएगी वो 7 इंच नीचे वेस्ट लाइन के, तो यहाँ पर मार्किंग किया। वेस्ट हमारी 28 इंचेस है, उसका 1/4 7.5 प्लस 1/2 इंच लूजिंग के लिए 8 इंचेस पर मार्किंग किया। और यहाँ पर हमारी सीट का जो राउंड है वो 37 इंचेस है, तो उसका 1/4 इंच प्लस 1/2 इंच उसमें ऐड करना है 10 इंच पे, यानी 9.75 इंचेस पे मैंने यहाँ पर मार्किंग किया। अब ये सारे पॉइंट्स हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हम हिप पर यूज करेंगे। अब हमारी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ,
तो यहाँ पर हम हमारे सेट राउंड का जितना हमने मेजरमेंट लिया है उससे एक इंच ज़्यादा यहाँ पर रखेंगे। तो ये पूरा हमारा जो मेजरमेंट है वो 10.25 है, यहाँ पर हम 11.25 रखेंगे और यहाँ पर मार्किंग करके ये पॉइंट ज्वाइंट करेंगे। इसी तरह से पूरी सिंपल हमारा जो बॉडी का ड्राफ्टिंग है उस तरह से पहले हम ये सारे मार्किंग कर लेंगे। अब जो चेंजेस होने वाले हैं, जो कि ट्यूनिक टॉप मेरा सिर्फ ट्यूनिक टॉप है, नेक गैदर्ड, वो चेंजेस अब मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमें जो नेक विड्थ लेनी है वो हम सिंपल हमारे टॉप के लिए हमारे चेस्ट का 12वां भाग लेते हैं, तो वो 3.25 इंच आती है। तो यहाँ पर हमें जितनी भी हमारी नेक विड्थ होती है नॉर्मली उससे ज़्यादा 1 इंच उसमें ऐड करना है। तो ये 3.25 है, उसमें 1 इंच ऐड किया तो 4.25 हो गया। यहाँ पर 4.25 पे हमें मार्किंग करना है, नेक विड्थ हमें 1 इंच ज़्यादा लेनी है। अब हम बैक का नेक की डेप्थ लेंगे, वो हमें सिर्फ 2 इंच ही रखनी है। इस तरह से 2 इंच पे मैंने मार्किंग किया, ये हमारे बैक का नेक हो गया। हमारा बैक और फ्रंट दोनों नेक हमारे राउंड शेप में ही आएंगे। अब जो फ्रंट का नेक है वो अपने अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। आप अपने नॉर्मल कितना रखते हैं, 7 इंचेस 6 इंचेस उतना आप रख सकते हो। मैं यहाँ पर 7 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ, इस तरह से। ये मैंने डायगोनली लिया है, यहाँ से यहाँ उतना ही लेंगे जहाँ से यहाँ ये 4.25 है। तो यहाँ पर भी 4.25 इंच पे मार्किंग करके ये ब्लॉक हम बनाएंगे और यहाँ पर राउंड नेक का शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट का हो गया और ये हमारा बैक का हो गया। हमने देखो यहाँ पर ना ही फ्रंट के आर्म होल का शेप दिया है, ना ही बैक के आर्म होल का शेप दिया है। हमें यहाँ पर चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस क्या हैं? तो इससे आगे हमें 4 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाना है नेक गैदर के लिए। हमारे नेक में जो गैदर्स आएंगे उसके लिए हमें यहाँ 4 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ लेना है। ये रहे 4 इंच। और शोल्डर के आगे हमारी स्लीव जो है, जैसा कि मैंने कहा था वो स्लीव शोल्डर को अटैच होगी, तो यहाँ से यहाँ 4 इंच हमें, 4 इंच या 5 इंच आप अपनी मर्जी चाहे ले सकते हो, 5 इंच तक भी ले सकते हो। तो 5 इंच तक मैं यहाँ पर बढ़ा रही हूँ, इस तरह से ये लाइन आगे यहाँ से यहाँ 5 इंच तक बढ़ाई है। और ये इस लाइन को इस तरह से टच हो जाए, मतलब यहाँ बराबर से एंगल आना चाहिए, इस तरह से उतनी ही बढ़ानी है जहाँ जहाँ तक ये बड़ी हुई है लाइन। तो ये हमने सेम कर दिया, ये दोनों लाइन इस तरह से सेम हो गई। अब ये हमने 4 इंच आगे की तरफ बढ़ाया है, ये लाइन हम यहाँ तक टच करेंगे। ये रहे, तो देखो हमारा कटिंग जो है वो कहाँ से आएगा, ये हमारा बैक का नेक है, इस तरह से यहाँ हमें कट करना है। ये जो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया है ये नेक को गैदर्स आएंगे, और ये जो यहाँ बढ़ाया है वो स्लीव्स को गैदर्स आएंगे। ये हमारी स्लीव यहाँ तक बढ़ी हुई है यहाँ। अब इसके आगे हम 1 इंच सीम अलाउंस रखेंगे और हमारा ये टॉप कट करेंगे। तो इसके आगे हमें 1 इंच रखना है, ये रहा। और अब हम ये ज्वाइंट करते हैं पॉइंट, सारे पॉइंट्स हमने ज्वाइंट कर लिए हैं। अब ये जो हमारी बड़ी हुई स्लीव्स है आगे की तरफ, यहाँ पर हमें लिटिल ऐसा कर देना है, इस तरह से। इस तरह से मैंने यहाँ पर कर दिया है, देखिएगा। ये हमारी जो बड़ी हुई स्लीव्स है इसको हमने इस तरह से यहाँ पर टच किया है, ऐसा लिटिल कर देना है।
तो ये पूरा हमारा ड्राफ्टिंग रेडी है। ये कुर्ती के मेजरमेंट हमने पूरे डाले हुए हैं, अब हम ये कट करते हैं। तो आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और आपका कोई भी सजेशंस हो तो वो भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ से हम कट करते हैं। हम पहले ये बैक का नेक का कट करेंगे, उसके बाद बैक हम बाजू में निकालेंगे और हमारा फ्रंट का नेक कट करेंगे। तो यहाँ से हम कटिंग शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो फोल्ड आता है वो मैं कट कर लेती हूँ। रेडी हो गए। अब इसका एक भाग हम निकालेंगे, बैक का भाग निकाल डालेंगे और फ्रंट का नेक का कट करेंगे। यहाँ पर हमने कोई आर्महोल नहीं लिया हुआ है। यह हमारा बैक हमने निकाल दिया, अब हम फ्रंट का नेक कट करेंगे। ये बराबर से रखेंगे। अब ये फ्रंट का नेक हम कट करेंगे। इस तरह से ये हमारा कटिंग पूरा हो गया है। यहाँ पर जो हम ये फ्रंट का नेक है और बैक का नेक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम डोरी डालने वाले हैं। तो आपको डोरी के लिए आप कोई भी दूसरा मैचिंग कपड़ा ले सकते हो, ये अगर या इसी कपड़े में से आप डोरी के लिए कपड़ा निकाल सकते हो। तो डोरी कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मेरे पहले से ही अपलोडेड है और उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाके देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही डोरी बना के रखी है। यहाँ मैंने ग्रीन कलर का कपड़ा लिया हुआ है इसके लिए मैचिंग। तो ये डोरी मैंने बना के रखी है, जो कि हमें नेक ज्वाइंट करने के बाद उसमें अंदर डाल के हमें नेक को और स्लीव्स को गैदर्स लाने हैं। हम स्लीव्स में भी डोरी इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारा कटिंग पूरा हो गया है। अब हम इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे।